हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। सो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी, नई राइम लेकर आई हूँ। वो है लिटिल ग्रीन फ्रॉक। ये ज़्यादातर राइम का जैसे एक टेक्सचर, मतलब जैसे एक फ्लो रहता है, एक स्टाइल रहता है, उस तरह से मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ये इसका मीनिंग ज़रूर समझाऊंगी और आपको एक फ्री स्टाइल में ये समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कुछ ज़्यादा इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप मुझे कुछ बोलना चाहते हैं इसके रिलेटेड, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको लिटिल ग्रीन फ्रॉक के बारे में बताती हूँ। लिटिल ग्रीन फ्रॉक, सेड द लिटिल ग्रीन फ्रॉक As he sat on a log, nobody really likes me. Said the little green frog, as he sat on a log, nobody really likes me. A duck came along and said, you are wrong, and gobbled him up for tea. Said the little green frog, as he sat on a log, Nobody really likes me. A duck came along and said, You are wrong, and gobbled him up for tea. So it says, said the little green frog. ये जो green color का मेंढक है ना, it said कि वो log के ऊपर जा बैठा है पकड़ कर, फिर वो बोल रहा है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं उसको क्यों ऐसा लग रहा है। तभी एक डक वहाँ पे आकर तैरते तैरते पहुँचता है। फिर डक बोलता है, नहीं तुम गलत हो, एंड सेड यू आर रॉन्ग, एंड गबल्ड हिम अप फॉर टी। जस्ट फिर क्या करता है, उसको नाश्ते में उसको खा लेता है। किसने कहा तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ, तो खा लिया डक ने उसको। बस ये थी इसकी कहानी। अगर आपको कुछ दूसरा मीनिंग समझ में आए तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए और मैं उसको वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू।